हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि उसका टाइटल ही इतना कमाल का है। टाइटल है, सोनू सूद, तुमने हमारी पोल खोल दी, लॉकडाउन माइग्रेंट वर्कर्स। फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आप हमें पहली बार ही देख रहे हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस जैसे ही हम उन्हें अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं कि सोनू सूद ने ऐसा क्या किया है। दोस्तों, सड़क पर केले का छिलका गिरा देखकर फेंकने वाले को गाली देने वाले बहुत मिल जाएंगे। उस छिलके पर किसी के फिसल कर गिरने पर हंसने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, मगर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बिना किसी को गाली दिए छिलका उठाकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं ताकि कोई और किसी और का पैर पड़ने से कोई उस पर गिर ना जाए। सोनू सूद वही आदमी है। लॉकडाउन के बाद पैदा हुए हालात पर नेता एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। फेसबुक के कवि मजदूरों की बुरी हालत पर जानलेवा कविताएं लिखकर लाइक्स बटोर रहे हैं। ट्विटर के मस्खरे उस पर मीम बनाकर रीट्वीट्स लेकर आ रहे हैं। चैनल वाले पैदल चलने वालों की फटी एड़ियां दिखाकर टीआरपी बटोर रहे हैं। लेकिन मजे लेने वालों की इस भीड़ में सोनू सूद जैसे कुछ लोग फरिश्ता बनकर भी सामने आए हैं। आज उन्हीं की बात करेंगे अपन, और ये भी बात करेंगे कि कैसे इस अकेले आदमी सोनू सूद ने पूरे सिस्टम की झूठ की पोल खोलकर रख दी। शुरू करते हैं, और ये कहना चाहूंगा कि बजरंगी भाई जान फिल्म में बजरंगी भाई तो अकेले मुन्नी को पाकिस्तान उनके घर छोड़कर आया था, लेकिन लॉकडाउन की रियल फिल्म में सोनू भाई ने तो कसम खा ली है कि जब तक वो एक एक मुन्ना मुन्नी और उसके मम्मी पापा को घर छोड़कर नहीं आते तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। कुछ लोग तो मजाक में ये भी कह रहे थे कि यही हाल रहा तो चंद्रयान 3 को भी चांद की सतह पर सोनू सूद ही छोड़कर आएंगे। और सोनू सूद जो काम कर रहे हैं उसका आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कल तक सोनू सूद और उनकी टीम 12,000 से ज्यादा लोगों को बसों में बिठाकर मुंबई से उनके घर भेज चुकी है। क्या बात है, न सिर्फ उन्हें बसों में बिठाकर भेजा जा रहा है, रवाना होने से पहले खाना खिलाया जा रहा है, रास्ते के लिए खाने का कुछ सामान दिया जा रहा है, और ड्राइवर को यह बोला जा रहा है कि हर आदमी को उसके घर के दरवाजे तक छोड़कर आना है। ट्विटर फेसबुक पर शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसने सोनू सूद को अपनी प्रॉब्लम बताई हो और उन्होंने उसकी मदद न की हो। इतनी जल्दी तो ऑनलाइन ऑर्डर करने पर पिज्जा घर में नहीं आता जितनी जल्दी सोनू सूद ट्विटर पर लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। तालियां। बस ये कहना चाहूंगा कि कोई भी कहीं भी फंसा हो, उसकी कैसी भी प्रॉब्लम हो, अगर वो घर जाना चाहता है तो सोनू सूद का उसे एक ही जवाब होता है, तुम नंबर भेजो, काम हो जाएगा। इतना अश्योरेंस तो हिंदी फिल्मों में पैसा लेकर मर्डर करने वाला आदमी नहीं देता जितना ये अश्योरेंस बंदा ये मतलब सोनू सूद ने दे दिया है किसी को भी फ्री में घर छोड़ने का। क्या बात, जबरदस्त। और ये कहने में मुझे कोई भी हर्ज नहीं है कि ये सब वो आदमी कर रहा है जो ना तो पॉलिटिशियन है, ना कोई बड़ा बिजनेसमैन, और ना ही कोई इतना बड़ा बॉलीवुड स्टार जिसके पास अथाह पैसा हो, जो बड़ी आसानी से 5-10 लाख रुपए डोनेट करने के बाद ट्विटर पर ये बात डालकर बाकी स्टार्स की तरह घर में नागिन डांस का वीडियो भी डाल सकता, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो सुबह शाम केक और पिज्जा के फोटो डालकर खुद को संजीव कपूर का फूफा भी साबित कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। आमिर शाहरुख की तरह कोई उनसे हिसाब भी नहीं मांगता कि बताओ तुम इतने बड़े स्टार हो तुमने क्या किया। किसी नेता की तरह उसने उनसे ये सवाल भी नहीं पूछा जाता कि तुम्हारे यहाँ के लोग पैदल चल के घर जा रहे हैं, तुम कुछ करते क्यों। उन पर अपने स्टेटस को लेकर भी कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, फिर भी उन्होंने ये सब किया और आज भी वो सब कर रहे हैं, वो भी एक ऐसी सोसाइटी में जहां जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसे भी लेने को तैयार नहीं होता। जहां स्टेट बॉर्डर पर कोई क्राइम भी हो जाए ना तो आधा टाइम तो पुलिस वाले बॉर्डर पर इंची टेप लेकर यही नापते रहते हैं कि क्राइम हुआ किस किस स्टेट में है। हमारा इलाका नहीं, आपका इलाका है। अरे स्टेट गवर्नमेंट को भी सड़क पर पैदल चल रहे मजदूरों से ज्यादा इस बात की टेंशन है कि मजदूर अगर वापस आ गए तो कहीं कोरोना ना फैला दें। मैं नाम नहीं लूंगा, मगर इस चक्कर में कई मुख्यमंत्रियों ने तो अपने स्टेट में ट्रेनें तक नहीं घुसने दी कि कहीं बीमारी उनके घर में ना आ जाए। ऐसे माहौल और ऐसी सोसाइटी में सोनू सूद ने जो किया है वो सवाल खड़ा करता है कि अगर एक इंडिविजुअल, एक अकेला इंसान थोड़े पैसे और पॉपुलैरिटी के दम पर हजारों लोगों की मदद कर सकता है, इतना बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है, तो इस देश में जो 4,500 से भी ज्यादा एमपी और एमएलएस हैं वो क्या 2 महीने से घास छील रहे थे क्या? अगर एक नॉर्मल एक्टर एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके लोगों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भिजवा सकता है तो यही काम उस इलाके के या हर इलाके के जनप्रतिनिधि भी कर सकते थे। ऐसा कैसे हो गया कि 1 महीने तक लाखों करोड़ों लोग पैदल चलकर एक से दूसरे स्टेट में जाते रहे, चैनल वाले दिन रात इनकी तकलीफें दिखाते रहे मगर किसी एमपी एमएलए का दिल तक नहीं फंसीजा। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब लोग ऐसे थे, बहुतों ने काम भी किया, लेकिन घर जाते हुए मजदूरों की तकलीफ अगर सभी ने महसूस की होती तो किसी ज्योति को 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने बीमार पिता को घर नहीं लाना पड़ता, किसी इंसान को अपने परिवार को घर पहुंचाने के लिए बैलगाड़ी में बैल की जगह खुद नहीं चलना पड़ता,
किसी बाप को अपने 4 साल के बच्चे की लाश लेकर सड़क पर पैदल नहीं चलना पड़ता। और ऐसे एक नहीं हजारों किस्से हैं मेरी जान, ऐसे लाखों कहानियां हैं। ये सब हुआ और होता रहा क्योंकि इस देश का सिस्टम और उसे चलाने वाले लोग इन लोगों के प्रति सेंसिटिव नहीं थे। मरने वाले लोग उनके लिए इंसान नहीं थे, बल्कि लॉकडाउन के दौरान हुई मौतों का सिर्फ एक आंकड़ा थे। मगर ऐसे इनसेंसिटिव माहौल में सोनू सूद ने जो कुछ भी किया उसने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। ठीक वैसे ही जैसे बैटिंग के लिए मुश्किल बताई जा रही किसी विकेट पर जब कोई टॉप ऑर्डर बैट्समैन रन नहीं बना पाता और अचानक कोई टेल एंडर आकर रन बना देता है, चौके छक्के मारने लगता है, तब पता चलता है कि अरे ये विकेट मुश्किल नहीं थी, इस पर तो रन बनाया जा सकता था। टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ही निकम्मे थे, उन्होंने ही अपना काम ठीक से नहीं किया। और यही मेरा भी पॉइंट है, अगर सोनू सूद जैसे टेल एंडर बल्लेबाज जिसका काम रन बनाना नहीं था, लोगों को बसों में भरकर घर छोड़ना ही था, वो अगर इस मुश्किल विकेट पर ये सब कर सकता है तो टॉप ऑर्डर के सरकारी अधिकारियों ने समस्याओं के बाउंसर को देखकर अपनी आंखें क्यों बंद कर ली है? विकेट पर घास देखकर उन्होंने बैटिंग करने से मना क्यों कर दिया? सोनू भाई ने जो भी किया उससे ये क्लियर हो गया कि किया बहुत कुछ जा सकता था, मगर सत्ता में बैठे लोगों में न वो आंख थी जो इन लोगों के दर्द को देख पाए, न वो दिल था जो इन लोगों के दर्द को महसूस कर पाए, और न ही सोनू सूद जैसा वो जज्बा था कि खुद से ये वादा कर पाता कि जब तक सड़क पर एक भी आदमी है मैं सांस नहीं लूंगा और एक एक को घर भेजकर ही दम लूंगा। ऐसा हुआ ही। चलिए बाप को चलते चलते कुछ पंक्तियों के साथ छोड़ जाता हूँ। ये लाइन अर्ज किया है कि तू राह न देख नेता की, तू राह न देख नेता की, लगभग सब घर के अंदर है, बस वोट की खातिर दिखते हैं, बाकी दिन सांप छछुंदर हैं। अरे जब तपती सड़कों की गर्मी से जलते तेरे पांव प्रिय, हा हाथ पकड़ ले मेरा मैं पहुंचा दूं तुझको गांव पे। सोनू भाई के लिए लाइन बहुत ज्यादा फिट बैठती है। अगली लाइन सुनिएगा कि जो दर्द तुम्हारा इंस्टा की स्टोरी में ना निपटाएगा, जो आकर कह दे रामू अब की बार तू भी घर को जाएगा। अरे तू विलन भले है फिल्मों का, सोनू भाई एक स्पेशल दो लाइन आपके लिए, कि तू विलन भले है फिल्मों का पर समझे सबके दर्द प्रिय, कितने भी चुलबुल आए जाएं छेदी है असली मर्द प्रिय। और आखिरी दो लाइन पर जोरदार तालियां बज दीजिए, मेरे को यहां तक आवाज सुनाई देनी चाहिए, कि किसी और के दर्द को देख जो जाए उसमें कूद प्रिय, वो थके पैर भी याद रखेंगे एक था सोनू सूद के। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करिएगा सोनू रॉक्स। फ्रेंड्स कमाल का वीडियो था, कमाल का इसलिए क्योंकि उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया सोनू सूद का जिसने आउट ऑफ द वे जाकर गरीबों की हेल्प की, मजदूरों की हेल्प की जो अपने गांव नहीं जा पा रहे थे इतने इस टाइम में जब कोरोना फैल रहा है और सब हर जगह पर कंफ्यूजन और क्योस है। तो उन्होंने यही बताया कि जो नेता हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते अपनी अपनी स्टेट में, जिन्होंने जिनका ये फर्ज बनता था कि जो मजदूर है उनकी हेल्प करें, उनको भेजें उनकी जगह गांव में उनके घरों में ताकि वो वहां पे सेफ रहें, उनको हेल्प ना मिलने की वजह से वो कई लोग जैसे उन्होंने बताया वीडियो में पैदल जा रहे थे। और मुझे याद है मैंने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर उन्होंने दिखा रहे थे, एक छोटी सी क्लिपिंग डाली थी शायद, जिसमें उन्होंने मजदूर का पैर दिखाया था और बहुत ही बुरी हालत, पूरा फटे हुई एड़ियां और उस टाइप से। तो तब मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि ये क्यों दिखा रहे हैं, मतलब सिर्फ क्लिपिंग दी थी बोला नहीं था, पर अब पता चलता है कि उसका दिखाने का क्या मतलब था कि मजदूरों के ऊपर कितने कष्ट हो रहे हैं उनको। और मुझे ये भी याद है मैंने एक वीडियो में ये भी सुना था कि उन र्यूमर फैला दी कि आप इस जगह पे इकट्ठे हो जाओ और फिर आपको वहां से बसों में आपके आपके गांव भेजेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, तब बोला जा रहा था कि लॉकडाउन है बाहर मत निकलो। तो वही दिखा रहे हैं कि कई नेता ऐसे हैं जो बने हैं, उनको इलेक्शन से लाया गया है पर वो अपने काम ठीक नहीं कर रहे। तो इस टाइम पे आपको पता करना चाहिए, इससे आपको पता चलेगा कि कौन ऐसे नेता हैं जिन्होंने अच्छे काम किए, हेल्प किए ताकि आप उनको नेक्स्ट टाइम वोट दो, और कहाँ पे काम गलत हुए हैं जहां पे आपको समझ आ जानी चाहिए कि हमने इनको वोट नहीं देना। इससे आपको सबसे क्लियर हो जाएगा कि कौन ऐसे हैं जिनको देना चाहिए, कौन ऐसे हैं जिनको नहीं देना चाहिए। पर सोनू सूद जो हैं उन्होंने कमाल कर दिया, असली हीरो। ये जो बाकी और बोल रहे हैं ना कि कई ऐसे बड़े बड़े हीरो हैं जिनके इतना पैसा है, बॉलीवुड स्टार हैं, वो सोनू सूद जो हैं ही इज नॉट, वो इतने बिग स्टार नहीं है, उनके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि आप
किसी दुनिया को उनको दिखाना है या कुछ प्रूव करना है कि मैं स्टार हूं या मैं बहुत पैसे इसलिए मैं कर सका हूं, पर अपने लिमिटेड अमाउंट के मनी के साथ और लोगों की हेल्प के साथ उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट किया जो बहुत कमाल की बात है कि उन्होंने बसेस अरेंज की जो सब मजदूरों को, गरीबों को उनके गांव भिजवाए। और सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उन्होंने मेक श्योर किया कि पहले उनको खाने के लिए दिया, खा पीने के लिए पानी वानी सब अरेंज किया, और ड्राइवरों को भी ये कहा कि उनको हर एक को अपने अपने घर जरूर पहुंचाना है तुमने। तो इतना अच्छा काम तो कोई अच्छा इंसान ही कर सकता है। तो चाहे आप बड़े हो या छोटे हो, अगर आपका दिल बड़ा है तो आप किसी ना किसी तरह से हेल्प कर सकते हो। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और सोनू सूद ने जो काम किया है वो ऐसा काम है कि जैसे मेरे हस्बैंड भी बोलते रहते हैं कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो आप गॉड के साथ जाके मिलोगे। जो उन्होंने ये काम किया इस टाइम ऑफ में, इतनी दुआएं उनको मिली होंगी, इतनी ब्लेसिंग्स मिली होंगी उन सब मजदूरों से, उनकी फैमिली से, उन बच्चों से, कि भगवान भी उनको देख के, उनके इस काम को देख के खुश होंगे। और ये डेफिनेटली एक ऐसा एग्जाम्पल है हम सब के लिए, और स्पेशली वो अमीर लोगों के लिए, एक्टरों के लिए और वो जो नेता हैं, कि देखो अगर एक इंसान जिसके पास इतना पैसा नहीं है, इतनी शान और शौहरत नहीं है, अगर वो ये काम कर सकता था तो आपने क्यों नहीं किया? आपने उससे पहले, ये होने से पहले क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं अरेंजमेंट किया कि आप बसेस को अरेंज कर लो और उनको अपने अपने गांव, अपने अपने घर पहुंचा दो। पर जो भी है, वीडियो बहुत ही सुंदर थी। ऐसी वीडियोस देख के बहुत खुशी मिलती है और लगता है कि हाँ, अच्छे इंसान जो हैं वो इस दुनिया में बहुत हैं और वो अच्छे कामों से कभी पीछे, जब जरूरत पड़ती है कभी पीछे नहीं हटते। तो ये देख के मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा और वीडियो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही मोटिवेट करता है कि भाई हम भी कुछ ऐसा करें ताकि जिनको नीड है उनकी हम हेल्प कर सकें। तो कमाल का वीडियो था, कमाल का मैसेज था, और सोनू सूद को डेफिनेटली हार्ट्स और हमारी प्रेजेस और हमारी बहुत बहुत थैंक यूज। तो चलो फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर, स्टे पॉजिटिव एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।